कर्नाटक में आईफोन के लिए एक डिलीवरी बॉय की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना कर्नाटक के हासन की है और 20 साल के युवक ने हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसके पास मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने डिलीवरी बॉय की लाश को 3 दिन तक घर में रखा और फिर शव को रेलवे स्टेशन के किनारे फेंक कर उसने जलाने की भी कोशिश की। ये मामला आईफोन से जुड़ा हुआ है। आईफोन के लिए उसने ऑर्डर किया था लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, तो डिलीवरी बॉय लेकर आया था जो आईफोन, उसी की हत्या कर दी गई। और ये दिखाता है कि कितने लोग ऑब्सेस्ड हो गए हैं गैजेट्स को लेकर, इंसानी जान की कीमत उनके सामने कुछ नहीं रह गई है। वाकई ये हैरान कर देने वाला मामला है क्योंकि उसके पास आईफोन की कीमत 46,000 रुपए देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने आईफोन को कैश ऑन डिलीवरी पर मंगाया था। खुद एक डिलीवरी बॉय का काम करने वाले हेमंत दत्ता ने ई कॉमर्स साइट से एक सेकेंड हैंड आईफोन ऑर्डर किया था। 46,000 रुपए एप्पल आईफोन ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬೇಕು ಬಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ। 7 ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೋ 46 ಸಾಲ ಕಾ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಹೇಮಂತ್ ಕೆ ದಿಯೆ ಗಯೆ ಪತೆ ಪರ್ ಐಫೋನ್ ಲೇಕರ್ ಪಹುಂಚಾ ತೋ ಆರೋಪಿ ಹೇಮಂತ್ ದತ್ತಾ ನೆ ಉಸೆ ಅಪ್ನೆ ಕಮರೆ ಮೇ ಬಿಠಾಯಾ ಔರ್ ಕಹಾ ವೋ ರಕಮ್ ಲೇಕರ್ ಆ ರಹಾ ಹೈ। ನಾಯಕ್ ಇಸ್ ಬೀಚ್ ಅಪ್ನೆ ಫೋನ್ ಪರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಔರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ದೇಖ್ನೆ ಮೇ ಬಿಜಿ ಹೋ ಗಯಾ। ಅಚಾನಕ್ ಹೇಮಂತ್ ದತ್ತಾ ನೆ ಪೀಚೆ ಸೆ ಹೇಮಂತ್ ನಾಯಕ್ ಕೆ ಊಪರ್ ತಾಬಡ್ ತೋಡ್ ಚಾಕು ಸೆ ಹಮ್ಲಾ ಕರ್ ದಿಯಾ ಔರ್ ಉಸ್ಕಿ ಹತ್ಯಾ ಕರ್ ದಿ। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನೋ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ। और आखिरकार 11 फरवरी की रात उसने हेमंत नायक की लाश बोरी में डालकर अपनी स्कूटी पर लाद ली। वो शहर के बाहरी सुनसान इलाके में रेलवे लाइन के पास पहुंचा। वहां उसने लाश को जला दिया। इस बीच हेमंत नायक के घर वालों ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। शुरू में तो पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था लेकिन इलाके के सीसीटीवी की जाँच में आरोपी हेमंत दत्ता अपनी स्कूटी पर एक बोरी लाद कर जाता नजर आया। एक और सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी हेमंत दत्ता नजर आया जब वो पेट्रोल पंप पर स्कूटी में पेट्रोल भरवा रहा था। इसके बाद पुलिस ने हेमंत को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में हेमंत दत्ता टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल लिया। बेंगलुरु से हमारे सहयोगी जयपाल शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल, बहुत अजीबोगरीब और खौफनाक मामला है। एक आईफोन के लिए एक शख्स का कत्ल कर दिया 20 साल के युवक ने। इस मामले में क्या कुछ जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है? क्या जो हत्यारा है वो किसी तरह की मानसिक बीमारी से ग्रस्त है? किस क्या प्रोफाइल है उसका? जी देखिए, अगर प्रोफाइल की बात करें तो जो एक्यूज है वो खुद एक कुरियर में डिलीवरी बॉय का काम करता है। उसकी हैसियत नहीं है एक आईफोन खरीदने की, लेकिन जिस तरह से आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फोन को लेकर के लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में उसने तय किया कि वो एक आईफोन खरीदेगा और इसके लिए उसने ई साइट को खंगाला। ई साइट के अंदर में जो फर्स्ट हैंड आईफोन है उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था, ऐसे में उसने सेकेंड हैंड आईफोन का ऑर्डर किया। और जब हेमंत नायक जो कि लगभग 25-26 साल का युवक था वो उसके घर पर पहुंचा डिलीवरी करने के लिए, उसने कहा वो पैसे का प्रबंध कर रहा है इसलिए उसके घर पे बैठे, और इसी दौरान उसने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने उसकी शव को 3 दिनों तक अपने बाथरूम के अंदर में छुपा के रखा और उसके बाद 11 तारीख की रात को वो उसे रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक के पास ले गया जहां उसने जला डाला। हालांकि पुलिस को जब उसके नायक के गायब होने की जानकारी मिली तो उसने तफ्तीश की तो पता चला कि उस दिन नायक ने जो है 2 डिलीवरी की थी और 3 डिलीवरी वो आईफोन की करने के लिए गया था, उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। ऐसे में हेमंत दत्ता जो ऊपर पुलिस का शक गहराया, उसको पूछे, उससे पूछताछ की गई और इसी दौरान जयपाल और चंदन, ये सवाल हम बार बार, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, सवाल ये भी बनता है तो इसका मतलब वो पहले से ही सोचकर बैठा था कि पैसे नहीं होंगे और उसे मर्डर करना है। बिल्कुल प्रीमेडिटेटेड, और वो एक गैजेट के लिए 46,000 रुपए के लिए एक शख्स की जान लेना कतई ये हैरान करने वाली बात है। बहुत शुक्रिया जयपाल पूरी जानकारी के लिए।